अब साध और उनके रहनुमा बताएं ये कोरोना फैलाने की गहरी साजिश नहीं तो और क्या है, और क्यों ना चले साध पर देशद्रोह का केस। कि क्या कांग्रेस देश को लूटने के बाद अब मंदिरों को लूटना चाहती है? 40 से 50 हिंदू परिवारों को अपना घर बार इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उनका घर चला दिया गया है। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है बल्कि 4.2 लाख करोड़ का पैकेज है। कई सवाल है कि कैसे लोन मिलेगा, किसको मिलेगा, कंपेटेबिलिटी क्या होगी, बैंक उनको लोन देगा क्या, कैसे देगा। क्योंकि ये वो खबर है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधन करने आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भाषण बहुत लंबा चौड़ा दिया, पर जो काम की बात थी उसमें से वो सिर्फ 4 या 5 मिनट की थी। मोदी जी ने अपने भाषण में 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कही। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर कुछ घोषणाएं की। प्रधानमंत्री से उम्मीद थी कि वे अपने संबोधन में देश के गरीब मजदूरों की बात करेंगे, पर ऐसा नहीं देखने को मिला। निर्मला सीतारमण ने भी जो पैकेज अनाउंस किए उस पर मेनस्ट्रीम मीडिया को डिबेट कर सवाल उठाने चाहिए थे, पर मेनस्ट्रीम मीडिया अभी भी एक ही समुदाय पर निशाना साधे बैठा है। वे आज भी हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर डिबेट करने में बिजी है। मोदी के भाषण, निर्मला सीतारमण द्वारा ऐलान और मजदूरों की कोई चिंता क्या मीडिया क्यों नहीं दिखाई दे रही? तबलीगी जमात का आका मौलाना साद जो अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की जितनी कोशिश करता है उसकी करतूत का सच उतनी तेजी से बाहर आ जाता है, और जमातियों ने साद की गहरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है कि किस तरह उसने देश में कोरोना फैलाने का कांड किया। किसी भी कार्यक्रम या जुलूस पर पूरी तरह रोक लग चुकी थी, बावजूद इसके साद ने कोरोना वाली जमात की भीड़ जुटाई। अब साध और उनके रहनुमा बताएं ये कोरोना फैलाने की गहरी साजिश नहीं तो और क्या है, और क्यों ना चले साध पर देशद्रोह का केस। और मैं देशवासियों से भी कहता हूं कि आज की बहस सब कुछ छोड़ के देखिएगा, अगर नहीं देख सकते तो अभी टेलीविजन ऑफ करिए और चले जाइए, क्योंकि ये वो खबर है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ममता बनर्जी के राज में दंगा तंत्र आज कितना हावी हो चुका है कि बंगाल के एक इलाके से 2-4 नहीं बल्कि 40 से 50 हिंदू परिवारों को अपना घर बार इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उनका घर जला दिया गया है, वहां बम फोड़े गए हैं, उनकी दुकान जला दी गई है, उनकी गाड़ियां फूंक दी गई। इस कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक कई घोटाले से देश को लूटा, अब उसकी निगाह मंदिर और दूसरे धार्मिक ट्रस्ट के पैसों पर है कि देश में आर्थिक संकट है, इसलिए बाहर आने के लिए सरकार धार्मिक स्थलों से, धार्मिक संगठनों से, मंदिरों से जितना पैसा है, जितना सोना है उसको अपने कब्जे में ले। मैं पूछता हूं ये कांग्रेस ने ये क्यों नहीं कहा कि जो पैसा हमने घोटाले में लूटा वो हम देश की भलाई को देंगे? कि क्या कांग्रेस देश को लूटने के बाद अब मंदिरों को लूटना चाहती? क्या धार्मिक ट्रस्ट पर सवाल उठाकर कांग्रेस पार्टी धर्म गुरुओं को भड़काना? अब एक बात जो हम लोगों को मान लेनी चाहिए वो ये कि, या बहुत लोगों ने मान भी ली होगी, कि कोरोना के खिलाफ जो ये जंग है ना वो लंबी चलने वाली है। कोरोना संक्रमण से हमने अपने आप को बचाते हुए, प्रिकॉशंस लेते हुए नॉर्मल रूटीन में वापस लौटना है। और किडनी लिवर की जब बात कर रहे हैं हम स्वामी जी, तो ये मान के चलिए कि जैसे अभी के सिस्टम में कोरोना वॉरियर्स की हम बात करते हैं तो एक तरफ डॉक्टर और पुलिस हैं और इन दोनों का बीमार पड़ जाना सिस्टम को फेल कर देगा, वैसे ही एक डॉक्टर और एक पुलिस की तरह है, हमारे शरीर के कोरोना वॉरियर्स को कैसे बचाएं? पिछले करीब 1.5 महीने से हम बार बार कह रहे थे कि तबलीगी जमात के जरिए जो देश में कोरोना फैला उसमें जमात के मुखिया मौलाना साद का बहुत बड़ा रोल है। मौलाना साद की जिद या फिर साजिश जो भी कहिए, उसकी वजह से देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मरीज फैले। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग मौलाना का बचाव करते रहे, और हैरानी हुई ये देखकर कि चारों तरफ से कोरोना काल में मौलाना साद को बचाने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वो लोग जो नाम तक नहीं जानते थे, अब आप जानते हैं किस एजेंडा के तहत ये लोग काम कर रहे थे। तो आपने देखा मीडिया किन मुद्दों में व्यस्त है। मीडिया को मोदी जी और वित्त मंत्री की आलोचना करनी चाहिए थी, उनसे मजदूरों के मुद्दे पर सवाल पूछने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं देखने को मिला। दूसरी तरफ आजाद मीडिया के कुछ पत्रकारों ने इन मुद्दों को सरकार के सामने रखा है। न्यूज क्लिकिंग पर वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने शो में मोदी जी के भाषण और 20 लाख करोड़ के बयान पर सरकार की आलोचना की है और कुछ तथ्य सामने रख सवाल पूछे हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट शुरू हो गई है पिछलग्गू चैनल्स के जरिए। सभी चैनल्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये तो 20 लाख करोड़ का पैकेज है। मैं आपके सामने
एक तस्वीर पेश करना चाहूंगा। अब इन सभी तारीखों को जो पैकेजेस का ऐलान हुआ उस सबको आप मिला दें तो ये सब आपके स्क्रीन पर जीडीपी का 4.8% होता है, 9.74 लाख करोड़ रुपए, यानी कि करीब 10 लाख करोड़ रुपए की घोषणा तो पहले ही हो चुकी है। अब इंडियन एक्सप्रेस एक और चीज कहता है, बोरोइंग्स को लेकर एक सीलिंग होती है जिसके चलते सरकार अब सिर्फ 4.2 लाख करोड़ रुपए ही जारी कर सकता है। तो बकौल इंडियन एक्सप्रेस ये 20 लाख करोड़ का पैकेज नहीं है बल्कि 4.2 लाख करोड़ का पैकेज है। और अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो जैसे कि अब तक करीब 10 लाख करोड़ जारी हो चुका है, उसके बाद ये 10 लाख करोड़ का पैकेज है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक माँ पैदल चल रही है। इस वीडियो में एक छोटा बच्चा बैग के ऊपर सोया हुआ है जिस बैग को उसकी माँ पकड़कर चल रही है। ऐसे और भी कई वीडियोस हैं जिसमें माँ बाप अपने बच्चों को गोद में उठाकर पैदल चल रहे हैं। आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ तो लोग पैदल का ही जा रहे हैं। ये 17 दिन का बच्चे को आप लेके जा रहे हैं, क्या आप लोग चल के क्यों जा रहे हो? काम नहीं, कुछ नहीं, खाने की नहीं, सब कुछ नहीं, क्या खाएंगे क्या रहेंगे। आप देखिए मजदूरों की ये दास्तान की, वे पैदल चलने को मजबूर हैं और सरकार जो ऐलान कर रही है उसमें इन मजदूरों को लाभ होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जो मेनस्ट्रीम मीडिया तो पूछ नहीं रहा पर आजाद मीडिया के कुछ पत्रकारों ने सरकार के इस मुद्दे पर कड़ी आलोचना की है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने निर्मला सीतारमण द्वारा किए इन ऐलानों का विश्लेषण किया और कुछ जरूरी बातों पर उनसे सवाल भी किए हैं। जो काम मेनस्ट्रीम मीडिया को डिबेट कर सरकार के नुमाइंदों से करना चाहिए था वो इन्होंने किया, आप भी सुनिए। तो बड़ी उम्मीद थी कि देश के मजदूरों, कामगारों, श्रमिकों और रेहड़ी वालों, पटरी वालों, खोमचे वालों, ठेले रिक्शे वालों, तमाम उन लोगों को जो पिछले 50 दिनों से त्रासदी झेल रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, तंगी झेल रहे हैं, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं, धक्के खा रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं, ट्रेन की पटरियों के नीचे आकर और सड़क पर चलते हुए बसों और ट्रकों की चपेट में आकर, उन तमाम लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज होगी जो लगेगा कि उनके जख्म पर मरहम की तरह है, उनकी जेब में कुछ गया, उनकी जो बदरंग जिंदगी हुई है उस जिंदगी में कुछ रौनक आई, कुछ हजार रुपए उसके किस्मत में, जो मिला है वो उनकी संवेदनहीनता दिखाती है, उनकी जो नीति नियंता है, उनकी जो देश चला है। कई सवाल है कि कैसे लोन मिलेगा, किसको मिलेगा, कंपेटेबिलिटी क्या होगी, बैंक उनको लोन देगा क्या, कैसे देगा, उसके बाद वो चुकाएंगे कैसे, वसूली कैसे कैसे होगी, हजार सवाल है। और उसके बाद मजदूरों की अगर बात करें, निर्मला सीतारमण का ही बयान अगर पढ़े, गेहूं और चना और 2 महीने का मुफ्त अनाज और उसके बाद एक देश एक राशन कार्ड, लेकिन उस पर सवाल है कि जो मुंबई में रहता है वो मुंबई का बिहार का रहने वाला अगर मुंबई में रहता है वो राशन कार्ड का इस्तेमाल कैसे करेगा, पटना का रहने वाला अगर अहमदाबाद में रहता है कैसे करेगा, ऐसे उस पर भी कुछ सवाल है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी मंशा दिखी नहीं, और अगर ये मंशा नहीं है तो सवाल तो है कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के नेता है। HW न्यूज नेटवर्क पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद धुआ ने भी निर्मला सीतारमण द्वारा मजदूरों पर किए ऐलान की आलोचना की और उनसे कुछ सवाल भी किए। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की, उसमें सरकार का रोल एक गारंटर जैसा ज़्यादा नजर आया बजाय इसके कि वो राहत दे, मुसीबत के वक्त नागरिकों के काम आए जिनके वोट से सरकार चुनी जाती है। जो ऐलान किए गए हैं इससे क्या फौरन राहत मिलेगी? क्योंकि इस वक्त जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अपने गाँव पहुँच चुके हैं या जो रास्तों में हैं, उन्हें फौरन राहत की ज़रूरत है, हर तरह की राहत की ज़रूरत है। खाना तो है ही, खाने के साथ साथ उनको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, तो उनको राहत मिलेगी? मतलब क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल जो बार बार किया जाता है, हाँ, ये क्रेडिट को, कर्ज को राहत के तौर पर क्यों देखा जाना चाहिए, ये हमारे जहन में सवाल उठ रहा है। वो जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि सरकार एक गारंटर की भूमिका में ज़्यादा नज़र आ रही है, मतलब ये ऐसी सरकार नहीं दिख रही जो बिल्कुल लोगों का मतलब फ़ायदा करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर रही हो उनके अकाउंट्स में, बल्कि कर्जे का इंतज़ाम कर रही है उनके लिए, वो गारंटर बन के खुद खड़ी हो रही है। क्या राहत पैकेज का मतलब यही है?
हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया आज भी हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों को ढूंढ कर डिबेट करते जा रहा है। जो असल मुद्दे हैं उन पर सवाल तो नहीं कर रहा। जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए वह काम आजाद पत्रकार कर रहे हैं। खैर, सरकार से सवाल कोई भी करे, मुद्दा जनता की परेशानियों को सरकार तक पहुँचाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.